नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंपस न्यूज 24/7 अर्पना झा के साथ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है। इस टेस्ट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय DU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU में तकरीबन 100 विषयों के PhD प्रोग्राम्स में प्रवेश मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या समकक्ष डिग्री हासिल कर चुके हैं और किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से PhD करने का मन बना रहे हैं तो 8 सितंबर तक इस एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। NTA की ओर से जिन विषयों में PhD के लिए एंट्रेंस लिया जाएगा उनमें से कुछ कॉमन विषय हैं। पहले होगा एक टेस्ट, यह एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 3 घंटे के इस टेस्ट में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी एवं सेक्शन 2 में विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर में भाषा को छोड़कर केवल अंग्रेजी में 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। हर सही जवाब पर 4 अंक मिलेंगे एवं गलत जवाब पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। विषय के अनुसार टेस्ट का पाठ्यक्रम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उपलब्ध है। कैसे करें आवेदन? एंट्रेंस में शामिल होने के लिए दी गई वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना ठीक है। अंतिम तिथि कब है? 8 सितंबर 2023 इसकी अंतिम तिथि है। टेस्ट सेंटर कहाँ होगा? एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, गया, झारखंड के रांची, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता एवं सिलीगुड़ी समेत देश के 97 शहरों में किया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए कैंपस न्यूज 24/7 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।